ये मेरठ की धरती से देश की आजादी की क्रांति मंगल पांडे जी ने शुरुआत की थी और मेरठ निर्वाचन क्षेत्र ये है। अभी हमारे राम बाबू जी कह रहे थे वोट की बात, एक लाइन में समाप्त करूंगा, फार्म भर के आप दे देना, वोट यहां का इतिहास आपके घर जाकर हस्ताक्षर करेगा, एक भी शिक्षक का वोट छूटने नहीं पाए। मैंने वोट बनवाया है, एक एक विद्यालय में 10-10 बार गए हैं और 4-4 बार फार्म दिए हैं, विद्यालय में जाकर फार्म ही गायब हो जाते। मैनेजर साहब कहते प्रिंसिपल साहब की अलमारी में है, अब प्रिंसिपल साहब कहते बाबूजी की अलमारी में है, अब बाबूजी कहते वो तो हमने मैनेजर साहब के घर में रख दिए थे। कितनी समस्या होती है, आप वोट बनने की दिक्कत बिल्कुल मत महसूस करना। ये सबसे पहले चूंकि मैं नजदीक रहता हूं, द्विवेदी जी दूर रहते हैं, सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है आपका एक वोट छूटेगा नहीं, समय से पार भर के दे देना, एक लाइन में बात समाप्त। दूसरी बात ये करना चाहता हूं, इस मेरठ की धरती से माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी आज 46 वर्ष से सदन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये जो वित्त विहीन व्यवस्था है यह केवल उत्तर प्रदेश में है। अभी अभी आप लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप, मीडिया, टीवी, समाचार पत्रों में देखा होगा कि मध्य प्रदेश के पुरुष नहीं, पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी जब संगठित हुई और संगठित होकर उन्होंने मुंडन संस्कार कराया, सरकार को मजबूर होकर 2,84,000 शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देना पड़ा। इस संगठन के ताकत है साथियों, बड़ी बड़ी बातें करना तो आसान है कि उखाड़ेंगे और फेंक देंगे, 25 ग्राम के जवान है कितनी जल्दी उखाड़ लो, फेंक दो, लेकिन जब उखाड़ना पड़ेगा तब तब उस पर ताकत लगाना पड़ता है। पूरे 75 जिले का मोटरसाइकिल यात्रा का संकल्प लेने वाले आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, जिसको आज सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, घर में एसी है, छोटे भाई की पत्नी चेयरमैन है, इनकी स्वयं की पत्नी बेसिक में टीचर है और आप मोटरसाइकिल से पूरे 75 जिलों का भ्रमण करके शिक्षकों को जगाने का काम कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। एक गाना चलता था, जब से प्रेम किया प्रूतों से थोड़े तरस के लाले पड़ गए और गोरे से हम काले पड़ गए, वो स्थिति उमेश द्विवेदी जी की हो गई। लेकिन आपने जो संकल्प लिया उसमें जिस जो भी साथ अगर चलने नहीं पाया तो द्विवेदी जी ने उसको पीछे छोड़कर आगे कदम बढ़ाकर पूरे उत्तर प्रदेश के वित्त विहीन शिक्षकों को संगठित करने का काम किया। साथियों, आप सभी लोग शिक्षक हैं, जानते हैं बच्चा कब पास होता है, जब 100 में से 33 नंबर पाता है तभी तो बच्चा पास होता है। और हम आज लखनऊ में 5,000 और 10,000 मैक्सिमम 10,000 की संख्या लखनऊ पहुंचा पाते हैं तो क्या हम पास होते हैं? 3 लाख में 10,000 मतलब 3% जब लखनऊ पहुंचा पाते हैं तो मैं तो कहना चाहता हूं फिर भी आपकी ताकत को सरकारें थोड़ा थोड़ा संज्ञान लेकर और थोड़े थोड़े काम करती जा रही है। जिस दिन वास्तव में हम पासिंग मार्क के बराबर केवल 33%, 3 लाख का 33% बराबर 1 लाख, जिस दिन 1 लाख लखनऊ की जमीन पर पहुंच जाएंगे उस दिन चाहे भैया जी की सरकार हो और चाहे बहन जी की सरकार हो और चाहे किसी योगी की सरकार हो और चाहे किसी भोगी की सरकार हो, आपके संगठन के